प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया और ओडिशा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्र सेवा करने वालों को नहीं भूलते और मेरा सौभाग्य रहा उनका मार्गदर्शन मुझे मिला। मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। भारत रत्न मिलने पर आडवाणी का पहला बयान आ गया है। भारत रत्न मिलने से मुझे खुशी हुई। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, सिद्धांतों का भी है। मैंने हमेशा देश की सेवा की। आज मुझे दो लोगों की याद आ रही है, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की याद आ रही है। भारत रत्न मिलने पर लालकृष्ण आडवाणी का पहला रिएक्शन, सम्मान मेरा ही नहीं सिद्धांतों का भी है। और इस मौके पर उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, भारत रत्न मिलने से मुझे खुशी हुई, सम्मान सिर्फ मेरा नहीं सिद्धांतों का भी है। मैंने हमेशा देश की सेवा की। आज मुझे दो लोगों की याद आ रही है, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति का धन्यवाद, लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है। इसके अलावा कहा है कि अत्यंत विनम्र और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। भारत सरकार ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की, जिसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। हमारे श्रद्धेय वरिष्ठतम नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को हमारे सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न से नवाजा है। मैं इस सभा से निवेदन करूंगा कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जहां धन्यवाद करते हैं, वहीं लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने पर उनको हार्दिक बधाई भी देते हैं, यह मैं जरूर कहूंगा। अब हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। सरकार ने आडवाणी जी को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। दरअसल बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में आडवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐलान के साथ उन्हें बधाई दी है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने के बाद परिवार बेहद खुश है। बेटे जयंत आडवाणी और बेटी प्रतिभा आडवाणी इस दौरान भावुक नजर आए। आज आपके पिताजी को, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को सर्वोच्च भारत का सम्मान मिला है, भारत रत्न। कैसा लग रहा है, परिवार में माहौल कैसा है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही गर्व का विषय है कि आज भारत सरकार ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है। आडवाणी जी का योगदान सार्वजनिक जीवन में एक अभूतपूर्व प्रकार का योगदान रहा है। इसीलिए बहुत अच्छा लगता है कि आज उम्र के जिस पड़ाव पर वो हैं, इस स्टेज पर आके उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं और मेरा परिवार इससे पूरी तरह से हर्षोल्लासित हैं। सर, क्या आपको लगता था कि ये सम्मान इतनी जल्दी इस बीच मिल सकता है, जब बहुत पहले, यानी कि मैं कहूं कि एक महीना भी नहीं हुआ है जब राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जिसकी शुरुआत लालकृष्ण आडवाणी जी ने की थी, जिस आंदोलन की शुरुआत लालकृष्ण आडवाणी जी ने की थी, इनका अपना सपना था,
पूरा भारत भ्रमण था, तो उसके जस्ट बाद ये भारत रत्न सम्मान मिलना आप लोगों के लिए कितना बड़ा तोहफा हुआ? देखिए, ये मैं कहूँगा ये एक डबल बोनस है, डबल धमाका जिसे कहते हैं। कुछ ही दिन पहले 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर की, और आज कुछ ही दिनों बाद आज आडवाणी जी के लिए भारत रत्न का अनाउंसमेंट हुआ है, तो ये बहुत ही जल्दी बहुत ही डबल खुशी का मौका है। प्रतिभा जी, आडवाणी जी पीछे बैठे हुए हैं, अभी आप लोग उनके साथ थे, कितनी खुशी है? आप एक दुख जाहिर कर रही थी कि आज आपकी मम्मी नहीं है, माता जी नहीं है, और आज ये बहुत बड़ा सम्मान मिला है, आप लड्डू लेकर आई हैं, सबको खिला भी रही हैं, तो क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सो माँ का जिस तरह से मैंने याद की, मैंने जिस तरह से कहा कि माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा, ना केवल पारिवारिक जीवन में पर उनके राजनीतिक जीवन में भी, वो हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी और कुछ भी होता था, चाहे यात्राएँ हो चाहे कुछ भी हो, तो उनके साथ ही रहती थी, और उनके रहते दादा हमेशा घर की जिम्मेदारियों से फ्री रहे, बच्चों को हमारे हमको बढ़ाना सबसे फ्री रहे, तो मम्मा का योगदान और एक बहुत संबल दिया उन्होंने उनको उनके जीवन में, तो उनको लाजमी तौर पर मैं आज याद करती हूँ। पर हम लोग बहुत खुश हैं कि उनको ये सम्मान दिया गया, क्योंकि मैंने देखा है कि दादा के आँखों में हमेशा जब तिरंगे को सलाम करते तो हमेशा आंसू होते हैं उनकी आँखों में, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं कहती हूँ कि आई थिंक ही रियली डिजर्व्स दिस अवार्ड। जी मीडिया संवाददाता अभिषेक दुबे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लालकृष्ण आडवाणी की अगर बात की जाए तो तमाम तरह की उपलब्धियां उन्होंने हासिल की, और राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में उनका ये जो भारत रत्न सम्मान दिया गया है, निश्चित तौर पर उनको बिल्कुल सही समय पर दिया गया है, और इस मामले को लेकर के जिस तरह से परिवार खुशी जता रहा है, जाहिर सी बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई सर्वमान्य नेता रहे हैं तो लालकृष्ण आडवाणी ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम अपने भाषणों में, अपने इंटरव्यू में और सार्वजनिक जगहों पर ये कहते आए हैं कि आडवाणी जी का आशीर्वाद उनको मिला है, जिसकी वजह से आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी 2 सांसद से आज 303 सांसद के एक शिखर पर पहुँची है और आगे भी सरकार बनाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है, तो वो भी एक आडवाणी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। आज जब मैं उनके घर पर था, जब मैं आडवाणी जी को देख रहा था, तो उनके आँखों में एक भावना थी, वो व्यक्त हो रही थी, वो तस्वीर सामने आ रही थी, वो विजुअल सामने आ रहे थे, और उनकी बेटी और बेटे ने जब बातचीत की तो उन्होंने सीधे भावनाओं को बाहर निकालते हुए सीधे तौर पे कहा कि आज जो सम्मान मिला है ये उनके लिए सर्वोच्च सम्मान है और वो उसका आदर भी करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। बस एक कसक रह गई कि उनकी पत्नी और दोनों बच्चों के जो माँ हैं, जिनका उनके जीवन में बहुत योगदान रहा है, उनको आगे बढ़ाने में बहुत योगदान रहा है, वो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो सम्मान मिला है प्रधानमंत्री की तरफ से, और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ट्वीट किया, वो अपने आप में बहुत गर्व का विषय है और बड़ा विषय है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अभिषेक। Zee News.